मेरे उंगली में एक छोटी सी चोट लगने से मेरे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। ठीक उसी तरह मणिपुर भी हमारे देश का एक अहम हिस्सा है, भले ही छोटा हो। और वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां के बुजुर्ग अगर दर्द महसूस कर रहे हैं, अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं, संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो ठीक उसी तरह हमारा देश जो एक बहुत बड़ा शरीर है और हम सब उसके छोटे छोटे अंग हैं, हमें भी वो दर्द महसूस होना चाहिए। इसीलिए इस स्वतंत्र दिवस में ना कोई रील, ना कोई गाना और ना ही शुभकामनाएं, साथ मिलकर कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं और मणिपुर का दर्द महसूस करते हैं, उनके लिए शोक मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।